मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के धरावी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्नी के सामने ही उसके पति की चाकू मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना धरावी पुलिस स्टेशन के करीब में हुई है। मंगलवार 17 जनवरी की रात मृतक अपनी पत्नी के साथ इलाके में कहीं जा रहा था और तभी दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया गया। धरावी पुलिस के अनुसार मृतक जाहिद पेशे से चौकीदार था। वारदात के समय पति को बचाने के प्रयास में पत्नी भी घायल हो गई है। पुलिस ने बताया है कि हमलावरों ने 90 फीट रोड पर कई बार जाहिद को चाकू मारा है और जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अपराध करने के बाद बदमाश घटना स्थल से ही भाग गए। घटना के बाद जाहिद को सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते जाहिद की हत्या की है। वारदात में जख्मी मृतक की पत्नी का भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि धरावी की जिस 90 फीट रोड पर व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई है, ये बहुत ही व्यस्त इलाका है और स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी ये करीब है। इससे इलाके की पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बताया है कि दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन भी किया गया है। अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तो उसका नाम जाहिद अली है। तो उसके दो लोग आए, उन्होंने उनको लात मारी गाड़ी के ऊपर, गिरने के बाद उसको स्टैब किया है राइट साइड के पास, और तो उसके अंदर उसकी मौत हुई है। उसका नाम भी जाहिद अली है। उसकी वाइफ बचाने गई थी, उसकी ये बाल लेकर के हमें, वो भी उसमें जख्मी है। इसके तहत हम लोगों ने 302 तथा 324/34 IPC की धारा लगाकर चालू की। प्रीवियस कुछ राइवली थी, वो राइवली के दर्द के लोगों ने आपस में कुछ ये हुआ था, इसलिए मारा। ऐसा प्राथमिक इंक्वायरी मिला है, आरोप की तलाशी भी जारी है।